यमुनानगर में पीलिंग फैक्ट्री संचालक संदिग्ध परिस्थितियों में हुआ लापता। फतेहपुर नहर की पटरी के पास उसकी एक्टिवा मिली और उसके जूते, शर्ट, अंगूठी, मोबाइल और कुछ सामान भी मिला है। जानकारी के अनुसार 39 वर्षीय अश्विनी के लापता होने के बाद परिवार ने हर जगह तलाश किया, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पाया, जिसके बाद परिवार ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। वहीं नहर किनारे उसकी एक्टिवा मिलने से उसके नहर में डूबने की आशंका में पुलिस जांच कर रही है। गोताखोरों की टीम भी नहर में सर्च ऑपरेशन चला रही है। जैसे पता लगा ये सुबह 6 बजे का से आए थे और जो पार्टनर रहने के उनका हमारे पास 1:30 बजे फोन आया। ये 11:30-12 बजे फैक्ट्री से निकले। अभी मैं 10 मिनट के लिए काम जा रहा हूँ और फिर किसी ने उनके पास फ़ोन किया, भाई अश्विनी फ़ोन नहीं उठा रहा। फिर जैसे उन्होंने तुरंत इसके बाद फ़ोन किया उसके पास तो उसका भी फ़ोन नहीं उठाया। हमने घर से बहुत फ़ोन किए, फ़ोन नहीं उठाया। फिर तो उठाया ही नहीं किसी का फ़ोन। फिर हम आए इधर उधर देखा, फिर थाने में गए। फिर लोकेशन यहाँ की थी, परवाड़ों की, यहाँ आए, सारे में देखते रहे, कहीं नहीं मिला। वह एक्टिवा बूढ़े से फ़ोन गया मेरे पास, भाई एक्टिवा आपकी यहाँ पर खड़ी है, तब भी हम इधर आए। ये है गुंठी है और मोबाइल है, जूते हैं, जराबे हैं, हेलमेट है, एक बुरसेट है, उसकी सब सामान मिला। 38 साल के थे, 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। पैतरी लगाई थी, कुछ नहीं था, न घर में था न बाहर था। हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई थी कि अश्विनी कुमार जो नारपुर का रहने वाला है अपने फैक्ट्री से 11:30 बजे गया था, वापस नहीं आया, जिसका फ़ोन भी ऑन था। तो कल इसके भाई की स्टेटमेंट पर हमने FIR लॉज कर दी और हमने हर प्रकार की इन्वेस्टिगेशन करते हुए लोकेशन वगैरह लेते हुए इसको सर्च किया। कल हमें नहीं मिला, आज इसकी इन्फॉर्मेशन इसकी एक्टिवा यहाँ से बरामद हुई है। जो एक्टिवा के साथ इसके हेलमेट और जी इसके शूज, शर्ट, ये हमें बाहर ही मिले और अंदर डिक्की से इसके मोबाइल फ़ोन, मास्क वगैरह और अंगूठी, कुछ इसकी जरूरी चाबियां जो घर की है वो बरामद हुई है। और हम यही सख्त जाहिर कर रहे, अभी ऐसा ना हो कि उसने नहर में किसी ने खुद किसी कारणवश छलांग लगा दी हो, उसके लिए हमने गोताखोर वगैरह बुलाई हुई है, सर्च जारी है और जैसे ही जड़ बूटी प्राप्त होती है तो कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने अभी कोई किसी प्रकार से कोई रंजिश नहीं बताई, कोई किसी प्रकार का कोई भी पारिवारिक कलह भी कोई ऐसी बात सामने नहीं आई है। मामला सस्पेक्टेड है, जांच कर रहे हैं हम, हर पहलू से जांच करें, नहर की तरफ भी करें और वैसे भी करें। हमें एक अब तक ये भी नहीं कंफर्म है कि वो नहर में डूबा होगा। अश्विनी कुमार अपने 4 पार्टनरों के साथ पलाई पीलिंग की फैक्ट्री लगाई हुई है। यमुनानगर से सुमित ओबराई की रिपोर्ट।